Dear all, welcome back to Balush Educare. RTMNU Nagpur University ने finally summer examination के बारे में notification निकाला है. ये students को बहुत hopes थे कि ये university student के favor में decision लेंगी और अभी university ने confirm किया है कि जो भी meeting हुई थी 25th of April, all the VC ने जो decide किया है विद एजुकेशन मिनिस्टर, उसके अकॉर्डिंगली ये यूनिवर्सिटी भी अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही लेगी. लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट की तो ये डिमांड जरूर है ऑनलाइन ही होनी चाहिए, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा. स्टूडेंट यूनियन से उसने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट भी किया था, यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का GR भी निकाला था लेकिन उसको डिलीट भी किया था. तो अभी ये स्टूडेंट अगेन जो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में भी पेपर पैटर्न भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक क्लियरली नहीं बताया है. क्योंकि अभी तो ये तो कंफर्म है कि सभी यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र के ऑफलाइन ही एग्जाम्स होंगे और वो जून मंथ से होंगे और जो भी वीसी के मीटिंग में डिसाइड हुआ है 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, पेपर के बीच में दो दिन का गैप मिलेगा और जून मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो गए. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये यूनिवर्सिटी ने इसी को फॉलो करने का सोचा है और इनकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एग्जाम्स है वो 8 जून से स्टार्ट हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम्स है वो 15 जून से स्टार्ट हो रही है और अदर एग्जामिनेशन है प्री फाइनल एग्जामिनेशन वो 22 जून ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी. दोस्तों इसके रेलिवेंट यदि ये पेपर पैटर्न कौन सा है, ऑफलाइन MCQ है या ऑफलाइन थ्योरी है, इसके बारे में जब भी बीसी के साथ बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि थोड़े ही दिन में वो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा. और यहाँ पे भी उन्होंने वही बोला है कि टाइम टेबल है वो थोड़े ही दिन में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा. दोस्तों एक ही स्टूडेंट्स को होप था, ये तो यूनिवर्सिटी एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस देगी, लेकिन एज उदय सामंत सर ऑल्सो स्टेटेड फ्यू डेज बैक ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही होंगे और स्टूडेंट ने अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड नहीं करनी चाहिए. लेकिन ये स्टूडेंट को एटलीस्ट ऑफलाइन MCQ विद क्वेश्चन बैंक तो मिलनी चाहिए, इसके लिए स्टूडेंट तो डिमांड जरूर करेंगे. क्योंकि पेपर पैटर्न है उसमें सभी यूनिवर्सिटी में, नॉट ओनली दिस यूनिवर्सिटी, इवन जलगांव का यदि ऑफलाइन MCQ क्वेश्चन बैंक के साथ होता है तो बाकी की यूनिवर्सिटी ने भी सेम पेपर पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को इतने दिन से लिखने की बिल्कुल हैबिट नहीं है और यूनिवर्सिटी तो अपना अपना अलग अलग डिसीजन ले रही है और ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन अलग अलग लेवल पे फाइनल होगा. इसमें कोई भी एक डायरेक्टिव डिसीजन गवर्नर की ओर से और VC की ओर से यूनिवर्सिटीज को नहीं मिला है. तो पेपर पैटर्न जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी वो VC के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा. देखते हैं दोस्तों अभी इसके बाद में इनके अपडेट्स क्या आते हैं. टिल द टाइम स्टे कनेक्टेड, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और ये स्टूडेंट को तो जस्टिस मिलना जरूर चाहिए.